कितने लोग मार्केट जाने वाले थे और अपने लिए राइस क्रीम परचेज करने वाले थे, ये देखो जी मैंने घर पर तैयार करा दी आपको राइस। तेल में मात्र दो इंग्रेडिएंट मिला के आपने लगा लेना है और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चेहरे के ऊपर ऐसा ग्लो आएगा, ऐसा निखार आएगा, स्किन इतनी ज्यादा अपलिफ्ट आपको दिखाई देगी। कलर के साथ में आपकी एजिंग के ऊपर भी ये वाली रेमेडी बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर उम्र हो गई है 35 के ऊपर तो आपने इस रेमेडी को जरूर से जरूर लगाना शुरू करना है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सारे आपके किचन में रखे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मात्र दो चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाली हूं जो आपकी स्किन को टाइट अपलिफ्ट करने के साथ में कलर को भी फेयर करने में हेल्प करेगी। झुर्रियां बहुत ज्यादा अगर चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही है, स्किन बहुत ज्यादा सैग हो गई है, तो आपने इस रेमेडी को रोजाना लगाना है। अगर आप 35-40 प्लस हो चुके हैं तो रोजाना लगा लो, अगर आप अंडर 30 हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। उम्र आपकी ऐसा लगेगा जैसे थम सी गई है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपने घर में जब चावल बॉयल होता है ना, आपने चावल का जो माड़ होता है उसको ले लेना है। चावल की माड़ इतनी गुणकारी होती है, आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग माड़ को पीते थे, खाते थे, उसके साथ में चावल भी खाते थे, उसमें अचार वगैरह लगा के खाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी स्किन के लिए भी, ये भी पहले के लोगों ने हमें बताया हुआ है। तो बस आपने करना क्या है, चावल की जो माड़ होती है वो आपने लेनी है। हम सबके घरों में चावल पकता ही पकता है, तो जिस वक्त वो पक रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, तब आप उसमें से अपने लिए 3 से 4 चम्मच इस तरीके का चावल का पानी निकाल लेंगे। चावल आपकी स्किन को टाइट अपलिफ्ट करने के साथ में कलर को फेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ में अब जो इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाने वाले हैं वो हमारी स्किन की एजिंग के ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे, इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगे क्लोव ऑयल। क्लोव को हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लेना, एक बार ट्रांसलेट कर लेना, मैं भूल जाती हूँ इसका बार बार नाम। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, आप चाहो तो नीचे लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर लेना, नहीं तो आपके नियर बाय जो स्टोर्स होते हैं वहां से आप एक बार पूछ लेना, वहां से आपको मिल जाएगा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल आपकी उम्र के ऊपर काम करता है, यानी कि एजिंग के ऊपर काम करता है। अगर आप इसका 2 ड्रॉप अपनी रेमेडीज में ऐसे भी यूज करते हो ना, किसी भी रेमेडी में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है जी, ये ले लेंगे हम करीब 1-2, ये 2 ड्रॉप डाले हैं। ये हमारी 1 हफ्ता का जो क्रीम है ना, ये बनके अभी तैयार होगी। इसमें 2 ऑयल हमने डाल दी, 2 ड्रॉप हमने क्लोव ऑयल की डाल दिए हैं। देखिए अगर आपके पास में क्लोव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो आपके घर में रखी हुई क्लोव्स होती हैं उसके हेड के साथ में वो आप इस क्रीम में डाल देंगे। ठीक है, अगर आपके पास में ऑयल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा हश पश करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है कि अरे ये सामान नहीं है तो ये क्रीम नहीं बनेगी, नहीं जी बन जाएगी। मसाले तो सबके घर पे होते ही है, हर किसी के घर में खाना पकता ही है, दालचीनी मसाला हर किसी के घर में होता है, तो आपने वहां से अपने लिए 2 क्लोव लेनी है, उसके हेड के साथ में लेनी है, जो उसके ऊपर गोल गोल होता है उसके साथ में लेंगे, और उसको आपने अपने इस चावल के माड़ में डाल देना है। ठीक है, वो अपना असर धीरे 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 इसमें दे देगा इस क्रीम में। ठीक है, अब इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा, अब होगा ही होगा। अगर आप DIY देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने एलोवेरा जरूर से जरूर परचेज किया होगा, किसी भी ब्रांड का ले लेना। आप मेरे पास देखिए, ये गंतव्या का है, मेरे पास पिछले 1 साल से यही मैं यूज कर रही हूँ, इसी का ही मैं बार बार रिपीट मंगा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी, जितना आपका स्किन सूखा सूखा सा लगेगा, उतना आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखाई देंगे, तो अपनी स्किन को हमेशा आपने हाइड्रेट करके रखना है। उसके लिए आपने एलोवेरा अपनी रेमेडीज में यूज करना है, जो क्रीम्स आप बनाते हैं उसमें यूज करना है। अब ये जो हम क्रीम बना रहे हैं, ये हम राइस क्रीम बना रहे हैं। अब देखो, राइस क्रीम का नाम आते ही आपके दिमाग में मार्केट वाली जो महंगी महंगी क्रीम्स है वो आ गई होंगी। आप घर पर भी बना सकते हैं, राइस क्रीम बहुत आसानी से बनती है। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसके बाद में इसमें डालेंगे, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है जी, ये अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, राइस क्रीम आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे, आप अपनी स्किन का खाना अपनी स्किन को दे रहे हैं। राइस आपकी स्किन को फेयर करता है, चावल आपकी स्किन को टाइट फर्म करता है, हाइड्रेशन देता है। चावल आप किसी भी फॉर्म में अगर आप लगा रहे हैं, आप उसका स्क्रब लगा रहे हैं, आपकी स्किन की डेड स्किन हटाता है, आप उसका फेस पैक लगा रहे हैं, वो आपकी स्किन को टाइट अपलिफ्ट करता है। अब आप क्योंकि इसकी क्रीम लगा रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा काम करने वाला। तो देखिए जी, इस तरीके की ये क्रीम हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ में जो लास्ट हम हमारा बेस लगाने वाले, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट डालने वाला है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हर गांव खेड़ा में पाया ही जाता है। आप कौन से गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके घर में कोकोनट ऑयल होगा ही होगा ये भी बताइएगा। 4 ड्रॉप डालना है, कितना डालना है, सिर्फ और सिर्फ 4 ड्रॉप्स।
अब देखिए वो लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं जिनकी स्किन ऑयली है, वो बोलेंगे वाह इसमें तो तेल कम डाला है और तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है। नहीं जी, आपकी स्किन का जो खाना होता है ना वो ऑयल्स होते हैं, घी होता है, या आपको अपनी स्किन को देना ही चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली है चाहे आपकी स्किन ड्राई है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर ऑयल नहीं लगा रहे हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा अंदर से खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, सेल्स नहीं बनते हैं जल्दी से। तो ये देखिए जी इस तरीके की हमारी ये क्रीम बनके राइस क्रीम तैयार हो गई है। कितने लोग का पैसा बचा दिया, कौन कौन जाने वाले थे मार्केट से मंगाने वाले थे राइस क्रीम, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो लीजिए जी हमारी क्रीम बनके तैयार है, अब हमने इसको स्टोर करके रखना है। इसी तरह की कोई कांच की कोई भी छोटी सी डिब्बी होगी आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाले होते हैं, हम घर पर चीजें तैयार करते हैं, तो हफ्ते भर के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ये क्रीम खराब नहीं होगी, आप इसको रोजाना लगाएंगे। अब लगाना कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने हाथ पे ले ली और अपने फेस के ऊपर आपने रात को सोने से पहले इसको लगाना है। देखिए हमने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, आपको बिल्कुल चिपचिप भी नहीं लगेगा और आप इसको लगा के पूरी रात के लिए सो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद में हम करेंगे अपने फेस के ऊपर मसाज, ठीक है। मसाज कभी भी आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। आप अपनी स्किन का खाना लगाए हैं, इतना मेहनत करके कोई रेमेडी बनाए हैं, उसको अगर आप अपनी स्किन के अंदर नहीं भेजेंगे तो क्या ही फायदा है उसका, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितने बढ़िया से आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी। और अगर अभी नहीं भी गई है तो भी आप इसको लगा रहने देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे, अगर आप दिन में कर रहे हैं 4 से 5 घंटे अपनी स्किन के ऊपर रहने दो, ये अपने आप ही सोख जाएगी आपकी स्किन में बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको ऐसे लगा दूंगी और अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट, मुझे बाहर जाना था, हम लोग आज मूवी देखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको बना के लगा लेती हूँ मेरे चेहरे के ऊपर, कितनी बढ़िया लग रही है। और देखिए पता भी नहीं चल रहा कि मैंने घर की बनाई हुई कोई क्रीम लगाई है। आप इसको अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगने वाला है, ठीक है जी। होप करूंगी आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब बनता है करके जाइएगा, ये जो कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है ना आप ही लोगों के लिए खुला है, यहाँ पर आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कहाँ से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर। लीजिए जी हमारी क्रीम बनके तैयार है, अब हमने इसको स्टोर करके रखना है। इसी तरह की कोई कांच की कोई भी छोटी सी डिब्बी होगी आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाले होते हैं, हम घर पर चीजें तैयार करते हैं, तो हफ्ते भर के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ये क्रीम खराब नहीं होगी, आप इसको रोजाना लगाएंगे। अब लगाना कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने हाथ पे ले ली और अपने फेस के ऊपर आपने रात को सोने से पहले इसको लगाना है। देखिए हमने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, आपको बिल्कुल चिपचिप भी नहीं लगेगा और आप इसको लगा के पूरी रात के लिए सो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद में हम करेंगे अपने फेस के ऊपर मसाज, ठीक है। मसाज कभी भी आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। आप अपनी स्किन का खाना लगाए हैं, इतना मेहनत करके कोई रेमेडी बनाए हैं, उसको अगर आप अपनी स्किन के अंदर नहीं भेजेंगे तो क्या ही फायदा है उसका, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितने बढ़िया से आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी। और अगर अभी नहीं भी गई है तो भी आप इसको लगा रहने देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे, अगर आप दिन में कर रहे हैं 4 से 5 घंटे अपनी स्किन के ऊपर रहने दो, ये अपने आप ही सोख जाएगी आपकी स्किन में बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको